मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के जेबीसी नहर किनारे अजली युवती का शव मिलने से गांव में अफरा तफरी मच गई है। जबकि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग के किनारे जेबीसी नहर किनारे एक अज्ञात अजली युवती का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अभी तक अजली युवती की पहचान नहीं हो पाई है। इसकी सूचना अन्य थाना समेत वरीय अधिकारियों को दी जा चुकी है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। सर कहां पर ये लाश मिली थी महिला का था? जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर ग्राम जाने वाली रोड में साइफन के पास जेबीसी नहर पर बने साइफन के पास एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 18 से 20 साल की जली हुई अवस्था में लाश को बरामद किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीती रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसको पेट्रोल या डीजल छिड़क कर आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गई है। लाश को रिकवर कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल सुपौल भेजा गया है। बड़े पदाधिकारी की इसकी सूचना दी गई है। FSL की टीम भागलपुर को भी सूचित कर दिया गया है। आगे बड़े पदाधिकारी के दिशा अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पता चली है सर किसका लाश है, कहाँ से आया है? अभी आसपास के जितने थाने हैं उनके थानाध्यक्ष को इस बारे में सूचित कर दिया गया है और व्हाट्सएप के माध्यम में अर्जली लाश की तस्वीर को भेज दिया गया है। लोगों में इस बात की जानकारी दे दी गई है कि अर्जली लाश युवती की बरामद हुई है। अगर कहीं से किसी थाना क्षेत्र में कोई महिला का मिसिंग हुआ है तो तुरंत सूचित करेंगे और वो परिजनों को लाश को पहचानने हेतु उनको भेजने का काम वो करेंगे। और पोस्टमार्टम के बाद नियमतः लाश को 72 घंटा हम लोग अपने कब्जे में रखेंगे। 72 घंटे के बाद बड़े पदाधिकारी के निर्देशानुसार लाश का रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये कंफर्म है कि युवती है ये? देखने से प्रथम दृष्टिया आवभाव से लग रहा है कि ये महिला का ही लाश है। उम्र लगभग 18 से 20 साल का। ये तो युवती की हो सकती है लग रहा है। हो सकता है, अभी स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ये कोई क्लियर बात तो सामने आएगी कि ये युवती थी या शादीशुदा थी। ये युवती की लाश जो है जेबीसी नहर में मिली या बगल में कहीं पे अलग है? नहर में, जेबीसी नहर में लाश मिली जहाँ पे पानी नहीं था और साइफन है। गोविंदपुर जाने वाली एक गांव है गोविंदपुर, वो उसके रास्ते में जो साइफन है उससे करीब 100 मीटर दक्षिण की में ये लाश नहर में पड़ी हुई है। सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग जो है उसी रास्ते में आता है। मुख्य सड़क मार्ग पर जेबीसी नहर है, नहर से लगभग 3.5 किलोमीटर उत्तर और गोविंदपुर साइफन से लगभग 100 मीटर दक्षिण। सूचना मिली थी इसकी आपको? लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई, खासकर वहाँ के पैक्स अध्यक्ष रविंद्र मंडल का मेरे मोबाइल पर फोन आया कि वहाँ पर एक अजली महिला का लाश पड़ा हुआ है। उसके आलोक में हम लोगों ने लाश को रिकवरी कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ठीक है।